वास्तव में जीवन के पतन का मुख्य कारण है। क्रिकेट का खेल होता है, लाखों लोग देखते हैं। आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, प्रकृति ने एक विशेष कार्य को करने के लिए निर्मित किया। आज मनुष्य का दुर्भाग्य यही है कि जिसे एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए वो व्यक्ति थर्ड ग्रेड का इंजीनियर बना बैठा। इसलिए सबसे पहला काम युवाओं के लिए है कि वे अपनी आंतरिक वृत्ति को जानें और अपने आंतरिक स्वभाव के अनुरूप कार्य में स्वयं को लगाएं। सद्गुरु जी, यंग माइंड मूवमेंट के माध्यम से जो तमाम प्रशिक्षण देते हैं युवाओं के लिए, मोटिवेट करते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या कुछ बिंदु उसमें हैं जो आपने रखे हैं युवाओं के लिए? देखिए जयवीर जी, युवा होने का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि जो बात आपको गलत लग जाए उसको छोड़ देने का साहस, और जो बात आपको सही दिख जाए उस पर चलने का साहस। और इतना अगर आपके भीतर नहीं है तो आप युवा चित्त के व्यक्ति नहीं। यंग माइंड का अर्थ है युवा चित्त वाला व्यक्ति, और युवा चित्त का उम्र से कोई संबंध नहीं। आप 17 साल के बूढ़े भी हो सकते हैं और 70 साल के युवा भी हो सकते हैं। इस यंग माइंड मूवमेंट के माध्यम से आप माइंड से युवा बनाना चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को? यस, हिंदुस्तान को युवा चित्त के लोग चाहिए, जो गलत दिख जाए उसको छोड़ देने का साहस, जो सही दिख जाए उसको कर डालने की हिम्मत। लेकिन आप देखें, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और पूरा देश तमाशबीन है, सिर्फ खड़े होकर देख रहा है। वास्तव में जीवन के पतन का मुख्य कारण है। क्रिकेट का खेल होता है, लाखों लोग देखते हैं और 11 लोग खेलते हैं। तो हम खेलने में रुचि नहीं रखते, खेल का आनंद लेने में रुचि नहीं रखते, हम खेल देखने में रुचि रखने लगे। तो युवा चित्त का अर्थ ये है कि खेल को देखने में रुचि रखने के बजाय खेल का आनंद लेने में रुचि पैदा करें। तो सद्गुरु, आज का जो हमारा युवा वर्ग है उसकी स्थिति एकदम अलग है। एक आचार्य हैं हमारे जिनसे बड़ी हमारी आत्मीयता है, आचार्य दुष्यंत जी, वो अपने वक्तव्य में कहते हैं कि आजकल के युवाओं की स्थिति ये है कि ऊपर से देखो तो लड़का हसीन है, नीचे से देखो तो पंचर मशीन है। तो आप इस पूरी स्थिति को एकदम बदलना चाहते हैं कि वो पंचर मशीन ना हो, वो माइंड से यंग हो, उसके सोच, उसका विचार, उसका कृतित्व, उसका व्यक्तित्व, यहाँ से युवा हो, ऐसा आप करना चाहते हैं? युवा होना चाहिए। अगर चित्त ही युवा नहीं है तो व्यक्ति युवा हो ही नहीं सकता। तो कुछ सूत्र बताएं अभी कि किस प्रकार से अपने चित्त को युवा करें हम? अपने चित्त को युवा करने का सबसे महत्वपूर्ण पहला आयाम है स्वधर्मे निरम श्रेयः परधर्म भयावह। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण ने कहा था स्वधर्म, इसका मतलब हिंदू धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, क्योंकि उस समय तो ये सब थे ही नहीं। स्वधर्म का अर्थ है जो आपकी आंतरिक वृत्ति, उसके अनुरूप जीवन जीना। ये पहली आवश्यकता है युवाओं के लिए। उन्होंने तो कहा सारे व्यक्ति ऐसे हों। आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, स्वधर्म निधर्म श्रेय, और यही एक वाक्य सारी मनुष्यता को असाधारण गरिमा और गौरव उपलब्ध करा सकता है। अगर यही कला व्यक्ति को आ जाए, हर एक व्यक्ति को प्रकृति ने एक विशेष कार्य को करने के लिए निर्मित किया है। किसी को संगीतज्ञ बनने के लिए निर्मित किया है, उसके भीतर संगीत के बीज डाल रखे हैं प्रकृति ने। किसी को गणितज्ञ बनने के लिए निर्मित किया है, उसके भीतर गणित के बीज डाल रखे हैं प्रकृति ने। किसी को डॉक्टर बनने के लिए पैदा किया है प्रकृति ने, उसके भीतर चिकित्सक होने के बीज डाल रखे हैं प्रकृति।
किसी को बड़ा बिजनेस करने के लिए निर्मित किया है, तुमने उसके अंदर बिजनेसमैन होने के बीज डाल रखे। ये पहचाने कैसे हैं कि कौन से बीज पड़े हैं? शिक्षा का पहला उद्देश्य यही होना चाहिए, टू हेल्प द चिल्ड्रेन टू नो देयर इंट्रिंसिक नेचर, टू ड्रा आउट फ्रॉम विद इन हिम एज टू व्हाट ही हैज टू बी। उसे गुलाब का फूल बनना है कि चमेली का फूल बनना है कि कमल का फूल बनना है, उसको क्या बनना है, ये उस बच्चे के साथ सहयोग करे शिक्षक, और शिक्षक उस बच्चे के आंतरिक वृत्त के को जानने में उसका सहयोग करे और उसी दिशा में उस व्यक्ति को आगे बढ़े। आज मनुष्य का दुर्भाग्य यही है कि जिसे एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए वो व्यक्ति थर्ड ग्रेड का इंजीनियर बना बैठा। एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा संगीतज्ञ बन सकता था, सारी दुनिया के दिलों में आनंद पैदा कर सकता था, वो टुटपुजिया डॉक्टर बन के अपना समय काट रहा है। और हर व्यक्ति वही है जहां उसे नहीं होना चाहिए आज के युग में। इसलिए सबसे पहला काम युवाओं के लिए है कि वे अपने आंतरिक वृत्ति को जानें और अपने आंतरिक स्वभाव के अनुरूप कार्य में स्वयं को लगाएं, अपने स्वभाव को पहचान के उस ओर पुरुषार्थ करें। आज व्यक्ति अपने स्वभाव अपनी आंतरिक वृत्ति के अनुरूप नहीं, बल्कि कहाँ धन ज़्यादा मिलेगा, पद कहाँ मिलेगा, प्रतिष्ठा कहाँ मिलेगी, हर आदमी सिर्फ IAS बनने के लिए लगा है। जी बिल्कुल। हर आदमी PCS बनने के लिए लगा है या हर आदमी BTEC करता है या तो मेडिकल की परीक्षा देगा, IAS PCS के लिए पूरी जवानी खपा देते हैं। तो हमारी शिक्षा की कुछ ऐसी व्यवस्था हो, शासन प्रशासन कुछ ऐसे मापदंड निर्मित करे जिससे हम मूल रूप से एक हंसता हुआ व्यक्ति पृथ्वी पर पैदा कर सके। आज हर युवा के चेहरे पर उदासी है, निराशा है। आप विद्यालयों में जाओ, देखो युवाओं के चेहरे पर रौनक है, आनंद की आभा है, बहुत न्यूनता की स्थिति है। जो भी है वो नकली है, जो थोड़ा दिखती भी है वो नकली है। दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी ही आनंदित हो, लड़कियों को दिखाना है कि मैं बहुत फिट फाइन स्वस्थ हूँ, मुस्कराएंगे। लड़कियों को लड़कों को दिखाना है, वो मुस्कराएंगी, अच्छा दिखने की कोशिश करेंगी, खुश दिखने को। बट जो युवाओं के भीतर एक आनंद की आभा होनी चाहिए वो हमारे युवाओं के चेहरे से गायब है, सिर्फ इसलिए कि ये शिक्षा उनके ऊपर बोझ बन गई है, उनकी छाती पर एक संघर्ष बन गई है। ये शिक्षा काल वास्तव में उनके लिए अभिशाप बन गया है और हर बच्चे के प्राणों में इतनी पीड़ा है, जो बच्चे उस पीड़ा को नहीं झेल पाते वे आत्महत्या तक कर लेते हैं। और आज देखिए बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं हो रही, जहां पर ये गला घोंट प्रतियोगिता जारी है। जैसे अभी आपने देखा कोटा में इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली, सभी शिक्षण संस्थाओं में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। जब तक हम बच्चे के आंतरिक वृत्ति के अनुरूप उसे निर्मित होने का अवसर नहीं देंगे, उसे विकसित होने का अवसर नहीं देंगे, तब तक हम कैसे हिंदुस्तान को विश्वगुरु के रूप में प्रकट कर सकेंगे।